जय हिंद। इस कृष्णा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इस वीडियो के माध्यम से हम पेंटिंग में जो सबसे फर्स्ट पे सिखाया जाता है पेंटिंग, उसमें एक चित्र को बनाना सीखेंगे, जिस चित्र को बनाने में आप लोग बहुत दिक्कत कर रहे हो, यानी कि जिससे जिस स्टूडेंट से भी बोला जाता है कि इस चित्र को बनाइए तो वो उस चित्र को बनाने में दिक्कत करता है, भूल भी जाता है। तो ओनली इस वीडियो में उस चित्र को बनाना आपको बताएंगे, ठीक है। हम सर्च द वेब एंड विंडोज पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यानी कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम पी दबा देंगे तो पेंटिंग का ऑप्शन आ जाता है और हम इस पर क्लिक कर देंगे, पेंटिंग ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें सारा कुछ बताया भी था, सभी कुछ बता चुके हैं, बस जो टूल और इन चित्र जो हैं उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो जो ये त्रिभुजी के पास में जो रेक्टेंगल दिख रहा है, यानी कि ये पायलोगन टूल है, इसको हम बनाना सीखेंगे। इस पर हमने क्लिक कर दिया एक बार, ठीक है। इस टूल पर ध्यान से देखो, त्रिभुज के इधर है और रेक्टेंगल के एक और छोड़ के इधर है, इसका क्या है देखो, राउटेड रेक्टेंगल के बिल्कुल इधर, त्रिभुज और राउटेड रेक्टेंगल के बीच में है, ठीक है। यानी कि ऊपर से फर्स्ट लाइन में 1 2 3 4 5 नंबर पे जो है, 6 नंबर पे, उस टूल को हम बनाना सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि इसको जिस स्टूडेंट से भी बोला जाता है बनाने के लिए, वो इसमें दिक्कत करता है और बना नहीं पाता है, कह रहा है हमको ये बताया नहीं गया, ये है वो है, लेकिन हम बताते तो हैं, लेकिन बस ये दिक्कत आप लोगों की है कि आप लोग नहीं करते हो, तो ये तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप लोग मर्जी है जो कह सकते हो। उसके बाद में हम बस इसको बनाना बताते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ जगह पे क्लिक कर देना है माउस से, और उसकी बाद जब हम दोबारा क्लिक करेंगे, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए ये हमने ऐसे कर दिया, इतना छोड़ दिया, ठीक। अब हमें जस्ट इधर सीधे जाना है, एक बार हम रूलर लगा लेते हैं इसमें, रूलर अभी नहीं बना है ये, इसमें हम रूलर लगा लेते हैं, ऐसे क्लिक करेंगे और रूलर व्यू पे जाएंगे, रूलर लगा देंगे। अब हम इस टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक लाइन ऐसे सीधी ले लेंगे, ठीक है, ले लिया हमने। अब हम इस रूलर को लगाएंगे, एक सीध देख लेते हैं क्या सीध है इसका, ये 300 से 1 2 3 4, आप लोग सीध लगा के किया करो तो सही रहेगा, इतना हो इतना हमने कर दिया, ये लाइन बिल्कुल मेरा यानी कि लाइन जो भी है ये बिल्कुल सीधी है जो हमने लाइन की है। आप लोग ये रूलर किस लिए दिया गया था, रूलर देखने के लिए थोड़ी ना दिया गया, रूलर एक स्केल है, इससे आप नाप सकते हो कितना दूरी किधर को ले रहा है, ठीक है। अभी मान लीजिए ऊपर सीध लेना है आपको, तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर हो, ऊपर देखिए 700 पॉइंट पर, यानी इतना हमको लेना है, तो 700 पॉइंट इतना हम यहाँ क्लिक कर देंगे, ठीक है, हल्का तिरछा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझ लीजिए कि इधर यहाँ पर क्लिक करना है आपको, यहाँ पर या यहाँ पर, तो आप इस पहले यहाँ पर साइड सीध देखिए, इधर लेफ्ट साइड कितना है, 300 से ऊपर 1 2 नंबर पे, यानी कि यहाँ पर आ जाओ 300 से ऊपर इस पे, ऐसे क्लिक कर दीजिए, ठीक है, हो गया है। अब आप यहाँ के सीध लीजिए, और लेकिन यहाँ के सीध हम ले नहीं सकते हैं, आप इस सीध पर और इस सीध पे देखिए कितना अंतर है, इस सीध से और इस सीध पे, ठीक है, यानी कि 500 ये हो गया है, और उसके बाद में ये यहाँ 600 का अंतर, चलो यहाँ पर हम इतना यहाँ पर कर देंगे इसे, ठीक है। इस तरह हम यहाँ पर जब क्लिक करेंगे ऐसे, तो ये कैसा टूल बन के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इस लाइन पे क्लिक कर देंगे। अब बताइए ये चित्र उस चित्र के बिल्कुल समान बन गया है, आप लोग देख सकते हो। आप लोग छोटी सी गलती कर रहे हो, बताइए, चित्र बनाने में गलतियां कर रहे हो, कहते हो बताया नहीं है, ये है वो है, तो ये बताओ इसमें बनाने में क्या दिक्कत है। ये जो रूलर रूलर बार दिया गया है, ये किस लिए दिया गया है, इसीलिए ये स्केल है, नापने के लिए दिया गया है। आप कोई चित्र नाप के बनाइए ना, कौन सी लाइन बड़ी हो सकती है, कोई बड़ी ही नहीं हो सकती लाइन, नापोगे नहीं, ऐसे ही इधर उधर घुमा दिया तो क्लिक कर दिया, मान लो ये ऐसे कर दिया, इधर इधर ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे घुमाते गए, तो कहाँ से ये थोड़ी ना बन जाएगा, ये थोड़ी ना बन गया ऐसा चित्र, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप लोग बना करके समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अगर इसमें कोई और भी चित्र में दिक्कत हो रही है बनाने में, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो, हम उस चित्र को बनाना आपको बता सकते हैं, ठीक है। किसी भी चित्र में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो, उस चित्र को बनाना हम बता सकते हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ, मतलब आगे हो, अगर पीछे कुछ भूल गए तो आप लोग कमेंट में बताइए ना कि ये है, तो आप लोग कमेंट कर बताइए, हम तुरंत उस चित्र के बारे में बता देंगे। और जो भी यानी कि चित्र देखा करो वीडियो, उसमें कमेंट में कुछ ना कुछ लिख दिया करो।
ठीक है। हाँ चलिए, जय हिंद, इसको हम क्लोज करते हैं।